स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन दिस चैप्टर दैट इज व्हाट इज सेल वॉल. नाउ प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल द सेल वॉल. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ एनी सेल, बट इन द प्लांट्स देर इज अनदर कवरिंग दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. नाउ द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड में होती है. द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज. जो प्लांट सेल होते हैं वो मेनली किससे मिलके बनते हैं? सेलुलोज से मिलके बनते हैं. सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को. Now, cellulose, already we read what is cellulose. It cellulose only found in the plants all. Now, when a living plant cell loses water, जब living plant cell पानी को lose करते through osmosis, there is a shrinkage of contraction of the contents of the cell away from the cell wall. यहाँ पर जब osmosis के process के through जब plant cells water lose करते हैं तो वहाँ पर एक contraction process होती है cell wall के अंदर, उसको हम osmosis process कहते हैं. This phenomena is known as प्लाज्मोलिसिस. इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस. जब सेल ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट में से वाटर लूज होता है तो सेल वॉल के जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं. नाउ वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. ओके, दिस इज द एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी यू कम टू नो वॉट इज सेल वॉल. माउंट द पील ऑफ अ रेओ प्लांट लीव इन वॉटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. सबसे पहले हमें क्या करना है? एक प्लांट है, उसके रेओ प्लांट है, उसमें से हमें एक लीव में से उसको पील करना है. उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखना है, उसको ऑब्जर्व करना है. आप क्या देखोगे? वहाँ पर एक ग्रैन्यूल से जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ग्रीन ग्रैन्यूल्स को. दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. उनके पास एक ग्रीन सब्सटेंस होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं. पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द साइड स्लाइड. अब क्या करना है? शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन उसके ऊपर डालना है. वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. क्या दिखेगा आपको? नाउ प्लेस सम रोहियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर एंड फॉर अ फ्यू मिनट्स दिस किल्स द सेल. अब जब आपने बॉइलिंग वाटर में डाला तो उसने क्या किया? सेल्स को मार दिया. देन माउंट द लीफ ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व द अंडर अ माइक्रोस्कोप. उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए तो आपको क्या नजर आएगा? पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑन अ सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑफ द स्लाइड. वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन. वॉट डू यू फाइंड? डिड प्लाज्मोलिसिस आकर? फिर प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस होगी अगर क्या करते हैं हम उसको वार्म वाटर के अंदर डाल देते हैं तो. नाउ तो उसमें क्या होगा कि जब व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस. जो डेड सेल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं करते हैं, बस लिविंग सेल होते हैं वही प्रोसेस कर सकते हैं. नाउ सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. सेल वॉल क्या करता है? प्लांट्स को अलाउ करता है, परमिट देता है फंगाई एंड बैक्टीरिया को विदस्टैंड रखने के लिए ताकि वो बिना बर्स्ट किए काम कर सके. इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. इसमें क्या होता है? जो सेल्स होते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर लेते हैं. द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. जब स्वेल जो सेल्स होते हैं फिर स्वेल्स अप हो जाते हैं, मतलब स्वेलिंग आने लगती है उसमें और वो वॉल को पुश करने लगते हैं. द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर. और वॉल भी क्या करते हैं? वही प्रेशर अंदर की साइड प्रेशर करती है. तो क्या होता है? जो सेल होता है वो स्वॉलन हो जाता है. स्वॉलन मतलब फूल जाता है. नाउ बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच अ सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल. इस वजह से जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एनिमल सेल के कंपैरिजन में जो प्लांट सेल है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं. नाउ ये तो हो गया सेल वॉल के बारे में. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में. रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड. वी हैड पुट आयोडीन. हम लोगों ने जो ऑनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था पील के ऊपर. क्यों? क्योंकि व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राई टू ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन? ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज फर्दर. नाउ व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड? नाउ अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट
रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंशियल. अब हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या देखा, डिफरेंट रीजन अलग अलग तरीके से कलर हुआ. सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स. कुछ रीजन डार्क हैं, कुछ रीजन लाइट हैं. अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफ्रेनिन सॉल्यूशन और मेथिलीन सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स. नाउ वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी. लेट अस टेक अ ग्लास लाइट विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. सबसे पहले ग्लास लाइट लेनी, उसमें पानी की बूंद डालना है. यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सर्फेस ऑफ योर चीक. चीक के अंदर से आपको एक सिंपली एक रिमूव करके लेके आना है जो कि आपके अंदर स्लाइवा है. नाउ डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून. आपके स्पून में कुछ मटेरियल स्टक हो जाएगा. विद द हेल्प ऑफ नीडल यू कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड कैप रेडी फॉर दिस. नाउ द कलर ऑफ द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथैलिन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट. उसके ऊपर एक मिथैलिन ब्लू सॉल्यूशन डालना है. नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप. अब हमें उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है. डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट. उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाना जरूरी है. वॉट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे. वॉट इज द शेप ऑफ द सेल्स वी सी, हमने किस टाइप की शेप देखी सेल्स की. ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट. नाउ वॉज देर अ डार्कली कलर स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. वेर देर इज सिमिलर स्ट्रक्चर ऑन ऑनियन पील सेल्स. नाउ द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस के पास डबल लेयर होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोरस विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड. दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल टू एज रेड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको हम रॉड शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं. ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है. नाउ क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. और इनहेरिटेंस क्या होती है, जो पेरेंट्स से दूसरे जनरेशन के अंदर डीएनए जाते हैं उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, जिसमें हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफर करते हैं, डीएनए ट्रांसफर करते हैं. नाउ क्रोमोसोम्स कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए और प्रोटीन से बनता है. डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सेल. जो डीएनए होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल के अंदर, जो कि सेल की कंस्ट्रक्टिंग और कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है. नाउ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं. इन अ सेल विच वी नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं. क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. व्हेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इन क्रोमोसोम. जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल होते ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाता है. न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. जो न्यूक्लियर होता है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में. द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म अ टू न्यू सेल. जिस प्रोसेस के थ्रू सिंगल सेल दो नए सेल को बनाती है, इट इज ऑल्सो प्ले अ क्रिशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड वॉट फॉर्म इट विल बी एग्जिबिट एट द मैच्योरिटी बाई डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एबसेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कुछ रीजन्स में वो पुअरली डिफाइंड होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड. ऐसे न्यूक्लियर रीजन्स के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है कॉल न्यूक्लियोइड, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. सच ऑर्गेनिजम्स व्होस सेल लैक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. इनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. ऑर्गेनिज्म विच सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकेरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. नाउ दिस इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल. ये है प्रोकैरियोटिक सेल, जहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, सेल वॉल दिख रहा है, राइबोसोम्स दिख रहे हैं, न्यूक्लियोइड दिख रहे हैं. प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक सेल मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म बाई द पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. अधिकतर फंक्शन साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होते हैं. द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनस वेसल्स but not with the plastic as in the eukaryotic cells. Okay, now
दिस इज साइटोप्लाज्म। टिल देन स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स काफ़ी हैं। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइटोप्लाज्म।